प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया था कि उनके पास हनी ट्रैप की सीडी है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया गया है। इंदौर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि उमंग सिंघार तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनका इतिहास सभी जानते हैं और उन्हें बचाने के लिए कमलनाथ ने हनी ट्रैप को लेकर जो बयान दिया है वो घोर अपराध है। कमलनाथ ने संविधान की शपथ और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन किया है। वीडी शर्मा ने कहा कि उमंग सिंघार को बचाने के लिए कमलनाथ दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस अपना काम कर रही है। उन बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन तक, उनको दवाई से लेकर के हर प्रकार की राशन की सुविधाएं सब कुछ देने का काम किस सरकार ने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे वो कर्मचारी जो इस काम में लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लगे, उनकी जब आहत हुए हैं उनको भी अनुकंपा नियुक्ति वो किसी प्रकार से हो, उसमें यदि सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह, ये किसने निर्णय किया? कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश को अच्छा लगता आप थोड़ा सा सत्य बोल करके आप सिस्टम में कमियों को जरूर कहते कि सिस्टम में ये कमी है, इसको ठीक होनी चाहिए। हमने अपील की, माननीय मुख्यमंत्री ने आपसे बात की, कैसे कांग्रेस के अध्यक्ष और रहे नेता प्रतिपक्ष आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? लेकिन आप मध्य प्रदेश के अंदर भय का वातावरण बना करके झूठ बोल करके जिस प्रकार से आपने जो आज इस देश को और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मीडिया के मित्रों से आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं। उमंग सिंघार उनके कैबिनेट के मंत्री थे, कैबिनेट के अंदर उनके मंत्री, उनकी मित्र जो भी रही होगी, मैं किसी की पर्सनली लाइफ के अंदर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक महिला जब वो आत्महत्या कर देती है, उमंग सिंघार जी को इंदौर के पत्रकार मित्र बहुत गहराई से जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप नहीं छापा। वीडी शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जब सीएम थे तब सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था, जिसमें आज तक पीड़ित परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वीडी शर्मा ने दावा किया कि कमलनाथ कांग्रेस विधायक से बातचीत में आग लगाने की बात कर रहे हैं, किसी गली के गुंडे हैं क्या? ये कमलनाथ जी कह रहे हैं, आप कौन है भैया? किसी गली के गुंडे हैं क्या आप? प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दे वो कि किस प्रकार से आपने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जैसे दुनिया के अंदर आप भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी आग लगाने की बात आप कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में निर्णय किया, आप उसकी स्वीकारोक्ति दे रहे हैं, यहां इसका लाभ तो किसानों को मिलेगा, लेकिन आग लगाने का मौका मिला है, आग लगाओ, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और इसलिए रास्ते में चलते चलते मुझे लगा कि आप लोगों के सामने इस प्रकार से मध्य प्रदेश को गुमराह और मध्य प्रदेश के अंदर आग लगाने की बात करने वाले लोग, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था, आज तक सरला मिश्रा हत्याकांड के लोग दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे थे, आज तक साक्ष्य ढूंढ रहे हैं कहां चले गए, आज तक भी न्याय की गुहार उनके परिवार के लोग लगाते रहे, ये करेक्टर है आपका। लेकिन ये जो कल आपने किया है, मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धमकी देने का काम जो पूर्व मुख्यमंत्री ने किया, ऐसी परिस्थितियों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और संविधान की शपथ के उल्लंघन की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और तत्कालीन एसआईटी के लोगों ने अगर उनको इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराई है तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जहां संकट की घड़ी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के कार्यों की जमकर सराहना की, वहीं कांग्रेस नेताओं पर सेवा के नाम पर कमी ढूंढने का भी आरोप लगाया। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।